अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि मैं न्यूज स्टूडियो में बैठा हुआ क्या कर रहा हूं। तो भैया, मैं तो सहाफी हूं और खबरें नहीं पढ़ता, लेकिन न्यूज स्टूडियो में आना जाना तो मेरा लगा ही रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी न्यूज स्टूडियो में नजर आए और खबरें पढ़ते हुए नजर आए, तो इसका तरीका मैं आपको बता सकता हूं। जी, अगर आप सहाफी हैं और अपना कोई वेब न्यूज चैनल या यूट्यूब पर ही कोई न्यूज चैनल शुरू करना चाहते हैं और परेशान हैं कि स्टूडियो कहाँ से लाऊं, स्टूडियो का इंतजाम कैसे हो, इसके लिए ग्राफिक्स की तैयारी किससे करवाऊं, खर्चा कितना आएगा, बजट नहीं है, काम भी करना है, तो परेशान होने की बात नहीं। आज की मेरी इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों के जवाबात और उसका हल मौजूद है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि किस तरह बगैर कोई इजाफी रकम खर्च किए अपना एक वेब न्यूज चैनल या यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू कर सकते हैं आप, वो भी प्रोफेशनल स्टूडियो लुक के साथ और तमाम तर जरूरी ग्राफिक के साथ। और इसके लिए हमें सिर्फ जरूरत है एक अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन की, जिस पर हम इस्तेमाल करेंगे एक ऐप यानी काइन मास्टर वीडियो एडिटर। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आखिर तक जरूर देखिएगा। स्किप करके देखने से बहुत सारी चीजें हो सकता है कि मिस हो जाए और बाद में आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अपने नए व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स से मुताल्लिक मेरी नए आने वाले वीडियोस आसानी आप तक पहुंच सकें। काइन मास्टर पर 16:9 रेशियो के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें। अब हम सबसे पहले अपना एक स्टूडियो तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना होगा। मीडिया के ऑप्शन में जाएं और किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लें। अब लेयर के ऑप्शन में जाकर ओवरले को सिलेक्ट कर लें। यहां पर यकीनन आपके पास स्टूडियो या न्यूज चैनल का कोई ओवरले या टेम्पलेट मौजूद नहीं होगा जो हमें चाहिए। गेट मोर पर क्लिक करें तो यहां पर बेशुमार टेम्पलेट्स, फ्रेम्स और दिगर एनिमेशन मौजूद होंगी। यहां से लाइव न्यूज का टेम्पलेट तलाश करें और इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद एक बार फिर लेयर के ऑप्शन पर जाकर ओवरले को सिलेक्ट कर लें और डाउनलोड होने वाले लाइव न्यूज के इस टेम्पलेट में देखें तो बेशुमार चीजें मौजूद हैं। अब हम एक एक करके इसमें से अपने काम की चीजों को सिलेक्ट करेंगे और इसके जरिए अपना स्टूडियो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल स्टूडियो के इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। ये टाइमलाइन पर आ गया। अब हमें जितनी ड्यूरेशन की न्यूज बनानी है बैकग्राउंड को उतना बड़ा कर लें और स्टूडियो टेम्पलेट को भी उसके बराबर कर दें। मसलन मैं सैंपल के तौर पर 20 सेकंड की न्यूज वीडियो बनाना चाहता हूं, तो उसे 20 सेकंड पर सेट कर देते हैं। अब हमें चाहिए चैनल का लोगो, तो ये आपको खुद अपने नाम का तैयार करना होगा। इसे आप खुद भी बना सकते हैं और किसी प्रोफेशनल से भी बनवा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगो पर कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जल्द कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से चैनल का लोगो बनाना सिखाऊं। लेकिन फिलहाल यहां पर एक लोगो मौजूद है, हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे। इसका साइज एडजस्ट करके कॉर्नर में लगा दें। इसके बाद टिकर के लिए एक लोअर थर्ड चाहिए, जिसे हम आम जबान में पट्टी कहते हैं। इस तरह लेयर, ओवरले और फिर लाइव न्यूज में से इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसे लोगों के साथ एडजस्ट कर दें। यहां पर हम अपने टिकर भी चला सकते हैं, जैसे मैं यहां पर कुछ टिकर बनाकर लिख देता हूं। आपको जो भी लिखना हो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इन टिकर्स की ड्यूरेशन आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एनिमेशन भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि न्यूज चैनल पर नजर आ रहा होता है। जैसे मैं इसमें ये एनिमेशन सेट कर देता हूं। अब इसे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ब्रेकिंग न्यूज को भी फिट करते हैं कहीं पर। ओवरले से इसे सिलेक्ट करके ऊपर लगा देते हैं और इसका साइज भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक लाइव न्यूज का भी टेम्पलेट मौजूद है, इसे भी लगा देते हैं, इस कॉर्नर में से लगा देते हैं। अब तमाम लेयर्स को बैकग्राउंड के साइज के बराबर कर ले ताकि सारे टेम्पलेट की ड्यूरेशन एक जैसी हो जाए। अब इसे प्ले करके देखते हैं।
लीजिए जनाब, हमारा स्टूडियो हो गया तैयार, लग रहा है ना ओरिजिनल स्टूडियो। अब सबसे अहम चीज यानी खबरें और उसे पढ़ने वाला एंकर, तो इसका इंतजाम आपको खुद करना होगा, मगर मैं ये तो बता दूं कि इसे यहां फिट कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप किसी भी प्लेन बैकग्राउंड के आगे बैठकर अपनी खबरें रिकॉर्ड कर लें और इसे यहां पर एडजस्ट कर दें, और साथ ही खबरों के लिहाज से इसकी वीडियो या तस्वीर ऐड करते जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप ग्रीन बैकग्राउंड पर अपनी खबरें रिकॉर्ड करें और यहां पर किसी स्टूडियो की कोई तस्वीर जो कॉपीराइट फ्री हो वो लगा दें, या कोई सादा बैकग्राउंड भी रख लें और फिर क्रोमा कट कर दें, और इस तरह आप अपना एक अच्छा सा प्रोफेशनल लुक के साथ न्यूज चैनल बगैर किसी ज़ायदी खर्चे के आसानी के साथ स्टार्ट कर लें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखा भी होगा, तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, कोई सवाल हो आपका तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करते जाओ। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, अल्लाह हाफिज़।